चलो एकदम ड्रोन टाके चुरी करे जरे जिसने तो अगर आप मंदारमनी आ रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा ये सब मैं बता देता हूँ। एक बार मैं ऑडियो सुन लेता हूँ कि कैसा आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है। का पूरा बीच ये मज़ा लेने के लिए आप मंदारमनी आओ, लेकिन आपको वो सूखा वाला जो बीच का मज़ा है, जो बालू का मज़ा है, वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि ऑफकोर्स मोना के पास में हम लोग, तो सेडिमेंटेशन के वजह से ये पूरा जगह ऐसा ही है। ये जो मज़ा है ना, आप दीघा की तरफ जाओगे या फिर शंकरपुर ये सब जगह पे जाओगे ना, वो वहाँ पे नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो वाला जगह बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। और मंदारमनी का खूबसूरती यही है कि इट इज़ वेरी आइसोलेटेड, वेरी मच आइसोलेटेड। अगर आप अच्छे से रहने वाला होटल पर आना चाहते हो तो 2000 से 2500 से इसके ऊपर ही सारा का सारा रूम है। हम लोग जिस होटल में यहाँ पे मैक्सिमम रूम 4000 का। तो मेरा पैर बालू में दलदल की तरह घुस जा रहा है, पता नहीं क्यों। डर लग जाता है कभी कभार, ऐसा लगता है ना क्विकसैंड ना हो जाए कि पैर एकदम अंदर ही चला गया। तो चलो होटल में वापस जाते हैं, फ्रेश व्रेश हो लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते अपने दूसरे जर्नी के लिए। আজকের এই ভিডিওটা একটুখানি বাংলায় বলি, কারণ আশা করি আপনাদের এই ভালোবাসাটা পাবো। সি বিচ মে মস্তি করতে করতে 12 বজ গিয়া হ্যায় আর অভি 12 বজ জাতা আর জ্যাদা কিউকি জো সমুদ্র কা পানি হ্যায় ও নদী হোকে ইয়াহ পে এন্টার কর রহা। দেখো 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 ইয়াহ পে এন্টার কর রহা পানি, একদম একদম পাস মে জো রিভার কা কনফ্লুয়েন্স হ্যায় ও পানি আকে এন্টার কর রহা ইয়াহ পে ধীরে ধীরে না পুরা পানি ভর যায়। আরে বাপ রে বাপ, কি ফোর্সে জল আসছে। দেখো দেখো দীপ দাগো দেখো কিতনা, অভি থোড়া সাই পানি থা পুরা ভর গিয়া, মতলব হামলো জব চল কে আয়ে থে ইতনা দূর তব ইতনা জ্যাদা পানি নাই থা, অভি জিতনা জ্যাদা পানি আ রহা আর মতলব আর মতলব ইস তরফ পতা চল রহা কি ফ্লো হ্যায় পানি কা ইধর। তো ইয়ে হ্যায় আপনে হোটেল কা মেইন কোর্টইয়ার্ড। তো বেসিক্যালি জব আপ গাড়ি ওয়াড়ি লেকে আতে হো তো ইয়াহিঁ পে পার্কিং করনা পড়তা হ্যায়। जो ऊपर के रूम से वो सी फेसिंग रूम से, और जो नीचे का रूम से वो नॉर्मल बेसिक रूम से, और पास में ही है एक चड्डी लटक रही है यहाँ पे, पास में ही है एक यहाँ पे पूल मोना बीच रिसोर्ट का, जहाँ पे आप अपना लेजर टाइम स्पेंड कर सकते हो। और इस तरफ से एंट्री है होटल का, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया। कभी भी ना किसी कोस्टल एरिया पर आते हो ना तो दो चीज़ हमेशा किया करो। पहली बात तो वो है यहाँ का जो सी फूड कुजीन होता है, फिश, क्रैब, पॉम्फ्रेट, ये सब ट्राई किया करो। नहीं तो ज़िंदगी भर का जो साथी है चिकन, जैसा कि यहाँ रखा हुआ है, हाँ चिकन लेके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम लोग हमेशा खाते हैं ब्रॉयलर चिकन, हमेशा अपने डिश में जो लोग नॉनवेज है उन लोग का रहता ही है। ऐसे हाथ से मज़े लो खाने का। हिल्सा फिश अगर 1.5 किलो के ऊपर आता है जो वेट वाला, वो खा के जो मजा है ना, जिष्णु बोशा और प्रचुर मत्स्यमंत्री का। चलो खाना पीना के बाद देखो, यही दिक्कत होता है एसी रूम से निकल के कि कैमरा फॉग हो जाता है। खाना पीना के बाद सब कुछ तैयार है, यहाँ पे मेरा टैंक बैग, मेरा पीठ का बैग और ये हेलमेट वेलमेट सब ले लिए हैं। अब सीधा वापस चलना है खड़गपुर की तरफ। दीपदा को जितना पैसा देना तब सब दे दिया। पैसा दे दो मुझे, दे दिए भाई गूगल पे बुलाने के लिए जो पैसा वैसा हमने मांगा था गूगल पे, वो दे दो हमको गूगल पे। ऐसे वैसे आदमी नहीं है, पैसा लेते हैं। सब्सक्राइब टू 100 एंड अबव 3.0, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो सब सामान वामान लोड हो गया गाड़ी में, बस एक ही दिक्कत जो हो गया, जो बैग लेके मैं आया हूँ ये आरी वाला बैग, इसको बांधने वाने का कुछ सामान वामान लेके नहीं आया था मैं। तो पूरा जो 108 किलोमीटर है वो मैं पीठ पे ही लेके आया हूँ, अभी पीठ पे ही लेके जाना पड़ेगा। और इट्स टाइम टू से गुड बाई टू दीपदा, मल्लिक दा एंड जिष्णु। वी हैड अ वंडरफुल टाइम टुगेदर, मतलब बहुत ही बढ़िया टाइम स्पेंड किए। हाँ तो प्रॉब्ली वी विल डू इट अगेन सम टाइम इन नेक्स्ट मंथ और आफ्टर सम टाइम, वी विल सी टू दैट। बट एनीवेज व्हाट आई वांटेड टू से वाज ही इज अ अमेजिंग क्रिएटर,
प्लीज 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 सपोर्ट हिम, अदरवाइज देखो क्रिएटर को सिर्फ इनकरेजमेंट चाहिए होता है, थोड़ा इनकरेज कर दो अगर इसका कंटेंट तुमको अच्छा लगा है, अगर इनकरेजमेंट मिलेगा तो ही विल मेक सच आई विल थिंक यू विल मेक मोर अमेजिंग कंटेंट, नॉट जस्ट मी एवरी कंटेंट क्रिएटर, मतलब मैं दीपदा का 100 एंड अबव 100 एंड अबव 3.0, फिर ट्रैवल एंड फूडोलॉजी, फिर दादा बोधी होटल, इधर पालानूर गल्प एस्केप स्टोरीज, तो एनीवेज मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सपीरियंस एंड वी हैड सम ग्रेट एक्सपीरियंस, उसमें से आई थिंक कुछ एक्सपीरियंस वीडियो में शेयर किया गया है, बहुत सारा ऐसे एक्सपीरियंस है जो कि वीडियो में शेयर नहीं कर सकते हम लोग, ऑफ कोर्स दैट इज अ सीक्रेट, बट एनीवेज आई थिंक ये वीडियो अगर देखोगे पूरा फर्स्ट से लास्ट यू विल एंजॉय इट टू द फुलेस्ट, थैंक यू, सबको सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो लास्ट में हम लोग डांस करेंगे थोड़ा, चलो विदाउट एनी रीजन व्हाटसोएवर, चलो लास्ट सेल्फी ऑफ द ट्रिप, पूरा ट्रिप में हम लोग एक भी ग्रुप सेल्फी नहीं लिए थे, लेकिन लास्ट में आके लिए अच्छे से, चलो ऑल स्टेट टू स्टार्ट माय राइड फ्रॉम मंदारमनी टू खड़गपुर, बहुत ही बढ़िया और मेमोरेबल जर्नी रहा, होटल का एंट्री बस छोटा है लेकिन होटल ठीक है, और ये सामने वाला जो होटल है शायद यही है वाइस रॉय, और इसका जो एम्बियंस है वो अलग है, एकदम अलग लेवल का है, कांती कोंटाई तक मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे तक हम लोग साथ में चलेंगे, फिर उसके बाद मेरे को वहाँ से लेना है लेफ्ट डिविएशन और ये लोग चले जाएंगे सीधा टूवर्ड्स नंदो कुमार एंड देन कोलाघाट, टडा 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 टडा, हाँ 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 मुझे फ़ोन कर दो, तो ये जो घूम के जाना पड़ता है अगर गवर्नमेंट की तरफ से सही काम हुआ तो यहाँ पे पास में एक ब्रिज बन जाएगा, देन ताजपुर विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर्स, जस्ट 1.5 किलोमीटर्स, जहाँ पे अभी 20-25-30 किलोमीटर घूमना पड़ता है, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगा, तो फिर ये जो ताजपुर मंदारमनी फिर शंकरपुर दीघा ये सारा का सारा एक साथ कनेक्टेड हो जाएगा रोडवेज से, टाइम हो रहा है 3:34, एकदम सही टाइम पे स्टार्ट किए हैं, मौसम भी ठंडा ठंडा हो गया है, हल्का बादल बादल छाया हुआ है, और कल हम लोग पहुँचे थे 3:34 को इधर मंदारमनी में, फिर लंच करे या ना करे ये डिसाइड करते करते बज गया था 5, तो फिर हम लोग लंच स्किप कर गए थे कल, लेकिन आज एकदम सही टाइम पे लंच किया हुआ है तो तबीयत भी ख़राब नहीं होगा, एकदम प्रॉपर लंच हुआ है, ज़्यादा हैवी भी नहीं ज़्यादा लाइट भी नहीं, एकदम स्टैंडर्ड जैसा लंच होना चाहिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं ऑर्डर किया हम लोग की वेस्ट हो जाए, तो उसको कंपेयर करोगे तो बहुत बढ़िया स्टे रहा था हम लोग का दीघा में, ऑफकोर्स मंदारमनी का अपना खूबसूरती है जिसके वजह से लोग यहाँ पे आते हैं, और ये शायद नया रोड बन रहा है उतना दूर तक, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मंदारमनी का भी कुछ शॉर्टकट बाईपास वगैरह बन जाएगा इस तरफ आने के लिए बेसिकली, ये वाला जो रोड है ये प्रपोज 4 लेन रोड है, लेकिन पता नहीं कब होगा कंस्ट्रक्शन, जो भी काम हो रहा है ये सब वही पैचवर्क का काम हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं हो रहा, इससे पहले तो रास्ता को तो 1.5-1.5 फुट तक खोद के रख दिए थे दोनों, अरे देखो बम्पर यार, बम्पर नहीं था गड्ढा था, चलो थोड़ा सा पेट्रोल भरा लेते क्योंकि यहाँ से अभी और 30-35 किलोमीटर जाना है खड़गपुर तक, उसके बीच में अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो फिर गन केस, पेट्रोल भराने के बाद अभी हम पहुँच गए हैं बेलदा, कैसे ये 11 किलोमीटर पार हो गए पता ही नहीं चला, मतलब एगरा से कहीं से तो 17 किलोमीटर कहीं से दिखा रहा था, पता ही नहीं चला कितना डिस्टेंस आए, तो लगातार चला रहा हूँ बस वही पेट्रोल भराने के लिए जो रुका था, अभी यहाँ से सीधा हाईवे से सीधा खड़गपुर, एटलीस्ट जो लास्ट पार्ट है जर्नी का वो मेरे को ऐसे ऊबड़ खाबड़ रोड में चलाना नहीं पड़ता है, वही ज़्यादा मज़ा है इसमें, ये दीघा खड़गपुर बोलो मंदारमनी खड़गपुर बोलो, इसके राइड में जो लास्ट पार्ट है ये हाईवे पे राइड करने वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि एटलीस्ट रास्ता पे तो चलाना नहीं पड़ता है ना। तो ये था मेरे दीघा मंदारमनी राइड सीरीज़ का आखिरी वीडियो, इसके पहले और भी 4 एपिसोड्स है जिसमें मैं खड़गपुर से दीघा को राइड करता हूँ, दीघा का साइट सीइंग, मंदारमनी और मंदारमनी में हमने क्या क्या किया, ये सारे डिटेल्स मैं अपने प्रीवियस वीडियोस पे शेयर किया हूँ, तो जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आई बटन पे ऊपर आ रहा होगा,
आप उस बटन पे क्लिक करके पूरा सारा का सारा सीरीज देख सकते हो दीघा मंदारमनी राइड का। और आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप इस वीडियो को। और कमेंट करके ज़रूर जाना जो भी अच्छा लगा या बुरा लगा। ऐसे ही मज़ेदार राइड के ब्लॉग्स आपके लिए पहुँचाते रहूँगा मैं इस चैनल के थ्रू। विद दैट से थैंक यू फॉर मेकिंग ए पार्ट ऑफ द डे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेचर मोटो।